बाढ़ आया हुआ है। हाँ कैमरा मैन का बाढ़ आया हुआ है। अरे हाँ यार। हाँ 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 सही बात है, बहुत सारे चैनल वाले आए हैं। ये मुकेश म्यूजिक भी है। मुकेश म्यूजिक भी है। सबसे पहले तो आप सब को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए मेरी बात आपको हंसाने को नहीं। इधर भी क्या कर रहे हैं? दर्शक नहीं आए क्या? दर्शक आए हैं, मतलब सारे दर्शक कैमरा लेके आए हैं। सारे दर्शक कैमरा लेके नहीं आए हैं। सामने हमारे मंत्री जी बैठे हैं। अरे मंत्री जी को तो मैं जानता हूँ। जानता है? नमस्ते सर। जानता है ना? हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि देखिए क्या हुआ, अभी होली का समय है, हम लोग लगातार 3-4 दिन से कार्यक्रम में हैं, तो एक जगह एक आदमी ने बहुत सारा दूध के साथ मिला हुआ चीज पी लिया है ना। हाँ सही पकड़े हो भाई। तो पी लेने के बाद ना वो आदमी एकदम टुल हो गया। इसके बाद आकर सभी से कह रहा है, देख लिया भैया होली के इस अवसर पर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ हैप्पी दिवाली, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर आप लोग भैया दूज अच्छे से मनाइए, नए नए कपड़े पहनिए, दीप जलाइए, रंग गुलाल लगाइए, क्योंकि आज ही के दिन, हाँ आज ही के दिन श्रीमान, हेलो हेलो हेलो, किसका फोन आ गया? फोन नहीं आया, क्योंकि आज ही के दिन श्रीमान लालू यादव जी ने रावण का वध करके नेपाल भारत युद्ध में हम सबों को विजयी बनाया था। और एक बात आप लोगों से कहना चाहते हैं, होली के शुभ अवसर पर आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, विश यू हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, मैरी क्रिसमस दोस्तों। आगे उसने फिर बोला, एक लाइन और बोला, और एक बात खास करके आप लोग होली में ध्यान दीजिएगा, कोई भी भांग के दिन गाड़ी पीकर होली नहीं चलाएगा, क्योंकि दो मास्क दूरी गज है जरूरी। धन्यवाद। अच्छा था, अच्छा था। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इसका नाम है रोमियो। रोमियो बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। सर कृष्ण सर हमारी बातें केवल हंसने के लिए सुनिएगा, दिल पर बिल्कुल मत लीजिएगा। मत लीजिएगा सर। हाँ देख रहे सर के आसपास पुलिस वाले भी बैठे हैं। गोरों से ना कालों से, मुझे डर लगता है पुलिस वालों से। लेकिन यहाँ के जो भी प्रशासन के लोग हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने करी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे कार्यक्रम के दौरान, अभी देखा कि बहुत सारे लोग चले भी गए। जाने वाले को कौन रोक सकता है? तो उनके लिए कुछ कह दे, जो चले गए उनके लिए कुछ कह दे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ऐसा नहीं कहते। अच्छा मैं तेरा जनरल नॉलेज चेक करना चाहता हूँ, मेरे को एक बात बता। बता कि शाहरुख खान की पत्नी का क्या नाम है? शाहरुख खान की, हाँ शाहरुख खान की पत्नी का क्या नाम है बता? गौरी। अरे वाह बहुत बढ़िया गौरी। अभिषेक बच्चन की पत्नी का क्या नाम है? ऐश्वर्या राय बच्चन। वाह बहुत सही। अमिताभ बच्चन की पत्नी का क्या नाम है? जया बच्चन। वाह। अच्छा मुझे एक बात और बता, अक्षय कुमार की पत्नी का क्या नाम है? एक मिनट, तेरे को उसकी पत्नी से क्या काम है? नहीं नहीं ऐसा, चल ठीक है तू कह रहा है तो अभी मान लेते हैं। चल ठीक है ठीक है। दूसरा सवाल, लैला ने कहा मजनू से क्या कहा? लैला ने क्या कहा? बता रहा हूँ, लैला ने कहा मजनू से बोलने देगा? बोलो साले। क्या? जीजा जी। मुझे लगा साले बोला। नहीं नहीं जीजा जी। लैला ने कहा मजनू से, सुन छलिए। सिनेमा हॉल खुल गया है, फिल्म देखने चलिए। ऐसा। अच्छा इसकी शायरी सर बहुत अच्छी आती है, सुना दे। नहीं नहीं क्यों क्यों? पहले तू, नहीं नहीं पहले तू,
पहले तू तू लेडीज फस। मैं तेरे को लेडीज नजर आता हूँ क्या? थोड़ा थोड़ा तो लगता है। बड़े दिल से निकली हुई शायरी है, तवज्जो देना, कि इतने कमजोर हो गए हैं हम तेरी जुदाई से। क्या बात है? इतने कमजोर हो गए हैं हम तेरी जुदाई से कि मच्छर भी उठाने जाते हैं चारपाई से। अच्छा एक बात और है, मैंने पहले ही कहा कि मेरी बातों को दिल पर बिल्कुल मत लीजिएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, लेकिन कम ही लोग ताली बजा रहे हैं। जब कम लोग ताली बजाते हैं तो इस वक्त को कोई नहीं बना रहा है। अच्छा तालियां सब बजाए तो अच्छा लगेगा, सही बात है। अच्छा एक बात और मैं यहाँ के दर्शकों से कहना चाहता हूँ, फिर से कह दूं कि मेरी बातों को दिल पर बिल्कुल मत लीजिएगा। देख देख, जो महिलाएं होती हैं वो अपने बालों का बहुत ध्यान रखती हैं। किसी के होते हैं कर्ली बाल, लड़कों के भी, किसी के होते हैं सिल्की बाल, किसी के होते हैं स्ट्रेट बाल, और जिससे सब परेशान है वो झड़ते बाल। झड़ते बाल से लोग परेशान है, बहुत सारे लोगों के सर पे बाल थोड़े कम होते हैं। अच्छा एक बात बता, जिनके सर पे बाल कम होते हैं उसका क्या होता है? उसको पत्नी बहुत मानती है। जिसके सर पे बाल कम होते हैं उसको पत्नी मानती है? कैसे कैसे? आदमी के सर पे दो ही औरतें हाथ फेरती हैं। अच्छा आदमी के सर पे दो ही औरतें हाथ फेरती हैं, कौन? एक माँ और एक पत्नी। अच्छा एक माँ और एक पत्नी, फिर क्या होता है? जब माँ हाथ फेरती है तो बाल आते हैं, पत्नी फेरती है तो चले जाते हैं। अच्छा कुछ लोगों के सर को देखकर क्या लग रहा है? इनके सर को देखकर लग रहा है हाँ मोहल्ले की दो चार औरतों ने उन्हें हाथ फेरा। खैर कोई नहीं, एक कहावत है कि जो सोवत है सो खोवत है और जो जागत है सो नहीं 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 तो जो सोवत है सो खोवत है, हाँ जो जागत है सो मोबाइल चलावत है। सही बात, मोबाइल चलावत है। वैसे आजकल की लड़कियां सर, आजकल की लड़कियां खोजती हैं ऐसा घराना, आजकल की लड़कियां खोजती हैं ऐसा घराना जहां सास कहे बहू तुम रील्स पे वीडियो बनाओ मैं पकाती हूँ खाना। हमारी मुलाकात कृष्ण सर से पटना में, उसके अलावा दो तीन जगह पे हुई। बहुत अच्छे इंसान हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तू नहाया कर तो भी अच्छा हो जाएगा। रोज नहाता हूँ। अच्छा सर ये मुंबई रहता है मेरे साथ, हम लोग मुंबई रहते हैं। आप मुझे सोशल मीडिया पर कॉमेडियन राज सोनी नाम से सर्च कर सकते हैं। राज मेरा नाम है, सोनी मेरा टाइटल, कॉमेडी मेरा नाम है, कॉमेडियन राज सोनी। आपके अभी इन दिनों मैं पूर्णिया में हूँ और हमारा 27 तारीख को भी कार्यक्रम है देवी जी के साथ, गोविंदा जी के साथ, BBIT। तो आप लोग वीडियोस हमारे देख सकते हो। मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ, ये मुंबई रहता है, एक बात बता, जब भी हमारा कार्यक्रम होता है तू यहाँ कैसे आ जाता है? सर को क्या बोलता है? अपने बॉस को क्या बोलता है? सर क्या हो गया? सर मेरी सांस मर गई। अच्छा फिर क्या होता है? 10 दिन की छुट्टी। अच्छा फिर छुट्टी लेनी हो तो? अरे अब क्या हो गया? अच्छा फिर क्या होता है? 10 दिन की छुट्टी। फिर छुट्टी लेनी है तो? सर मेरी सांस मर गई। हेलो फिर सर मर गई। हेलो अरे एक मिनट, पहले तेरी सास मर गई, फिर तेरा ससुर मर गया, फिर तेरी सास मर गई, फिर तेरा ससुर मर गया, तो बॉस ने कुछ नहीं कहा? बॉस ने नहीं, फिर तूने क्या कहा? मैंने कहा हां सर हां सास मर जाती है तो ससुर शादी कर लेता है, और ससुर मर जाता है तो सास शादी कर लेती है। देख अभी बहुत सारे परफॉर्मेंस होने, अपने पास समय कम है। मैं जाते जाते यहाँ के युवाओं से, यहाँ के दोस्तों से, यहाँ के जेंट्स से, यहाँ के मर्दों से कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, दोस्तों तू भी कहेगा ओके ठीक है चलो बोलना हाँ कि दोस्तों दोस्तों अगर आप रहना चाहते हैं चुस्त और तंदुरुस्त तो खाइए खाइए। क्या खाइए? ये बात तू बोलेगा ना? अच्छा अच्छा ओके ओके। दोस्तों दोस्तों अगर आप रहना चाहते हैं चुस्त और तंदुरुस्त तो खाइए गुटखा। क्यों क्यों? अबे गुटखा खाने से कौन चुस्त तंदुरुस्त रहता है? सेव खाइए सेव। हां सेव, और खास करके महिलाएं, महिलाएं अगर आप रहना चाहती हैं फिट तो पीजिए दारू। ओए बिहार में दारू बंद है। अच्छा अच्छा अच्छा
जूस पीजिए, जूस हाँ, जूस पीजिए, जूस। चल अभी हम अपने दर्शकों को एक बात और ये कहना चाहते हैं कि देखिए साहब, जो लोग नशा करते हैं ना वो कभी बूढ़े नहीं होते। जो लोग नशा करते हैं वो बूढ़े नहीं होते, तो फिर जवानी में बच्चे हैं। सही बात है। अभी देख गई भाई साहब का फोन आ गया, उधर चले गए। इतनी रात को? हाँ इतनी रात को। इतनी रात को तो दो ही लोगों का फोन आता है। किसका? एक तो उधार का। हाँ या फिर जुगाड़ का। चुप रहे। अरे इनका दांत कौन ले गया? अरे अरे दांत उनका कोई ले नहीं गया, टूट गया होगा। खिड़की लग रहा है, वैसे अच्छे लग रहे हैं। चलो ठीक है, अभी जाने का समय हो गया, बोल दे बाय लेडीज एंड जेंटलमैन। लेडीज की जरूरत है? लेडीज हाँ एंड जेंटलमैन एंड लेडीज। मुन्ना जी मैं तो आपकी झील से आंखों में डूब जाता अगर बीच में आपका चश्मा ना आता। एक बार ब्लू फाई एंटरटेनमेंट के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जो जिन्होंने ये कार्यक्रम सजाया, दूर तक सबकी तालियां बजे, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपके बीच जो नृत्यांगना, जो डांसर, जो मॉडल आपके बीच आ रही हैं, मैं आपको बताऊं, इन्होंने क्लासिकल में बहुत अच्छी पकड़ बनाकर रखी है। इन्होंने केवल अपने जिले का ही नहीं बल्कि बिहार का ही नहीं, भारत का नाम रोशन किया है। इन्होंने रोहतक हरियाणा में अपने डांसिंग से लोगों का दिल जीता, नेशनल अवार्ड जीती और साथ ही साथ इन्होंने इंटरनेशनल अवार्ड भी जीते हैं। आज उनका परफॉर्मेंस आपके बीच होना है, जो श्वेता साहा के नाम से जानी जाती है। उनको हम आमंत्रित करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सबको बाय बाय कर दे ताकि वो आ सके। बोल दे एक बार पूछ ले, जेंटलमैन कैसे हैं आप? कैसी हो लेडीज? हेलो हेलो जेंटलमैन कौन बोलेगा? तू तू क्यों नहीं बोलेगा? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन जेंटलमैन। ओके ठीक है, मैं बोल देता हूँ बाय लेडीज एंड जेंटलमैन। क्या कुछ रह गया? ओके बोल बोल लेडीज। हट हट